जिसमें आपको प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर उसमें बेड लगेंगे, सोफे लगेंगे। तो जब मैं यहाँ इस वक्त आया तो मैं बड़ा खुश हो गया कि किश्तवाड़ भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और डीसी साहब खासकर जो टूरिज्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं और टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से किश्तवाड़ में जो है अब इन्होंने हट बनाया है, यहाँ पे अब चंद दिन के बाद ये भी कंप्लीट होगा, यहाँ पे लोग आ सकते हैं, वो रात को अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर एंटर होते हैं, बाजाबता इसमें आप सिस्टम देख सकते हैं कि गेट वेट लगा हुआ है, बाकी इस वक्त काम चल रहा है, सोफे भी अभी लगाए गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तीन चार दिन के अंदर अंदर हो जाएगा कम्प्लीट, तीन चार दिन के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए, ये देखिए आप, मैं आपको इसका भी थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, जो स्विमिंग पूल है इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय मैं छात्रों के टीआरसी इलाके में हूँ। टीआरसी में आप सब दोस्तों को ये इलम है कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया गया था ताकि जो किश्तवाड़ की यूथ है, किश्तवाड़ के जो बच्चे हैं, वो आ सके, यहाँ एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया गया था, मगर स्विमिंग पूल के साथ साथ यहाँ वैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि इंसान रात को यहाँ बैठ सकता था। मगर जिस तरीके से हमारे डीसी साहब काम कर रहे हैं किश्तवाड़ में, हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के कि वो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं और खास टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं किश्तवाड़ में उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो सैंगपुर हो, चाहे वो फामरी हो, हर जगह वो जाते हैं और उस टूरिस्ट प्लेस को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के, दिव्या सिंह यादव साहब के। टीआरसी में पिछली बार आग भी लगी थी मगर अभी तक इसमें काम नहीं लगा हुआ है। आप देखें पीछे, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वजह से इसमें आग लगी थी और एफआईआर भी लगा था। आखिर वो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची थी वो हमें कुछ पता नहीं है। जब हम यहां आते थे तो नाइट कैंपिंग अगर हम इस एरिया में करते तो यहां कोई चांस ही नहीं था रात को रहने के लिए, अपने टेंट हमें साथ लाने थे फिर जाकर यहां हम कैंपिंग कर सकते थे। मगर आप देखिए कि डीसी साहब की वजह से यहां पे नाइट कैंपिंग के लिए कितना एक खूबसूरत आप देखिए टेंट लगाया गया है, जिसमें आपको प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर उसमें बेड लगेंगे, सोफे लगेंगे। तो जब मैं यहाँ इस वक्त आया तो मैं बड़ा खुश हो गया कि किश्तवाड़ भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और डीसी साहब खासकर जो टूरिज्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं और टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से किश्तवाड़ में जो है अब इन्होंने हट बनाया है, यहाँ पे अब चंद दिन के बाद ये भी कम्प्लीट होगा, यहाँ पे लोग आ सकते हैं, वो रात को अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ सकते हैं। प्रॉपर इसमें लाइट की फैसिलिटी होगी, बेड लगे होंगे, अंदर से सारा कुछ सिस्टम, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पहले मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत व्यू है जिस जगह ये स्विमिंग पूल बनाया गया है, और बाकी आप जगहों का व्यू देखिए। तो अब हम आपको लेते हैं इस हट के अंदर, हम दिखाते हैं आपको जो काम लगा हुआ है और ये कितना अच्छा इनिशिएटिव खासकर हमारे लिए जो यूथ कैंपिंग के लिए जाती है, कैंपिंग को पसंद करती है, तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव और खुशखबरी है। तो मेरी डीसी साहब से भी गुजारिश है कि एक जो ये आपने हट बनाया है इसको एक फार्मर में भी तीन चार ये लगाया जाए ताकि जो कैंपिंग को पसंद करते हैं वो जाए वहाँ और कैंपिंग करे, और इसमें किराया भी रखेंगे, इंसान खुशी खुशी किराया भी देगा क्योंकि ये बहुत एक अच्छी जगह बनाया गया है और इंसान इसको पसंद भी करता है। और डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि मरगन टॉप पे भी यही हट लगाया जाए ताकि हम वहाँ जाए कैंपिंग करें और किश्तवाड़ को एक्सप्लोर करें। चले हम दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये हम इसके अंदर एंटर होते हैं, बाजाबता इसमें आप सिस्टम देख सकते हैं कि गेट वेट लगा हुआ है, बाकी इस वक्त काम चल रहा है, सोफे भी अभी लगाए गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तीन चार दिन के अंदर अंदर हो जाएगा कम्प्लीट, तीन चार दिन के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए, ये देखिए आप, मैं आपको इसका भी थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, जो स्विमिंग पूल है इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इसमें ये पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, जब इंसान यहाँ आएगा जब सुबह वो इसको खोलेगा, देखिए आप तो कितना एक अच्छा व्यू माशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो पूरी यहाँ पे फैसिलिटी होगी, इसमें जो ये हट बनाया है इसमें बाजाबता वॉशरूम भी होगा, सारा कुछ सिस्टम होगा, खाने की फैसिलिटी होगी। तो हम शुक्रगुजार फिर से हैं डीसी साहब के जो किश्तवाड़ को डेवलप
कर रहे हैं और हम लास्ट पे गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि वो एक मरगन में भी ऐसे ही हट बनाए और फार्मर में भी ऐसे ही हट बनाए जहां जहां टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां वहां ये हट बनाए ताकि जो कैंपिंग के शौकीन है वो जाए और अपनी जो वो जिंदगी वो अच्छी तरीके से एंजॉय करे। और किश्तवाड़ वाले लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो ये हट बना रहे हैं हमारे किश्तवाड़ की खूबसूरती है। अक्सर हम जहां जाते हैं वहां हम गंद फेंकते हैं, जो मर्जी आती वो करेंगे, यहीं ये बनाया गया, अब इसके इसको काटने की भी कोशिश करेंगे। तो गुजारिश है कि जितना हो सके उतना किश्तवाड़ को खूबसूरत बनाए, जब हम खुद चेंज हो जाएंगे फिर जाकर हमारा किश्तवाड़ भी चेंज हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।